दोस्तों, आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नज़दीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी के कालकी अवतार लेंगे? चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं इसी के बारे में जरा विस्तार से। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नज़दीक है, कलयुग का एक ना एक दिन अंत होगा। और दोस्तों, हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा यह युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, दोस्तों आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों, सोच कर ही देखो कैसा लगता होगा कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक ख़त्म हो जाएगी, कैसे यह दुनिया अपने आप को नष्ट कर देगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है, शायद इसलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। लेकिन सबसे पहले ये भी जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। दोस्तों, असल में ब्रह्मवर्ती पुराण के अनुसार अभी युग का कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी, यानी अभी कलयुग में अधर्म फैलना स्टार्ट हुआ है। अब बस शुरू ही हुआ है अधर्म फैलना। अभी के समय में इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा कर लेता है, लेकिन दोस्तों, जब एक इंसान को दूसरे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा तभी दोस्तों कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, प्राणों और वेदों में बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी, युवावस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 साल ही रह जाएगी। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत को लेकर 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग वो है जिसमें हम जी रहे हैं। कलयुग के अंत के समय से लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक और रहस्य बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, लोग सिर्फ 20 साल तक जीवित रहेंगे। ये आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले के युग की बात करें तो लोग 500 वर्ष तक जीते थे। कहा यह भी जाता है कि इस धरती का विनाश जल्द ही होगा। चलिए दोस्तों, बारीकी से जानते हैं कि आखिर कितने कर्म वर्ष यानी कितने वर्ष बचे हैं इस कलयुग में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन और रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होती है, वहीं देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्य की एक साल के बराबर होती है। इसी प्रकार दोस्तों, देवताओं का एक महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का एक साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का 4032वां साल है, जिसमें अभी 4027 साल बचे हुए हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, 4027 साल बाद इस धरती का कलयुग की ओर मनुष्य जात का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, कलयुग में मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई कम से कम औसतन एक व्यक्ति की 5 फीट से और 6 फीट के बीच होगी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा मनुष्य जाति का अंत होने लगेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कलयुग का अंत आते आते कैसी हरकतें करेंगे लोग। दोस्तों, लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहने लगेगी, एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे,
कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 वर्ष ही रह जाएगी और इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव बेहद ही कठोर हो जाएगा, केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उसका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों, आगे बताया गया है, जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में गृह क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, पति पत्नी से झूठ बोलेगी, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा और सत्य की आंखों में पट्टी बंध जाएगी। और दोस्तों, हर जगह झूठ का ही बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने घर में ही हैवान वास करेंगे, उनके पिता, उनके भाई उनको हवस का शिकार बनाएंगे। दोस्तों, जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ होती थी, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल की हो जाएगी और उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब कन्या 7 वर्ष की उम्र में बच्चे को जन्म देगी तब भगवान विष्णु ने कहा था कि तब वह कलयुग में कालिकी का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कालिकी अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कालिकी का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे। और इस तरह दोस्तों, एक नए युग सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।